कक्षा 6 शब्द परिचय। जो शब्द किसी पुरुष या स्त्री या सामान्य लिंग का बोध कराए वे लिंग कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुरलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पहला लिंग होता है पुरलिंग। जिन शब्दों से केवल पुरुष जाति का ज्ञान होता है उन्हें पुरलिंग कहते हैं, जैसे सिंह, शिक्षक, कौवा, हाथी आदि। ठीक है, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा लिंग के बारे में, पुरलिंग, स्त्रीलिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराता है उन्हें हम पुरलिंग कहते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। दूसरा आता है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से केवल स्त्री जाति का ज्ञान होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सिंही, शिक्षिका, बकरी, चींटी इत्यादि। ठीक है, यहाँ पर जो भी स्त्री जाति का बोध करा रहा है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तीसरा आता है नपुंसक लिंग। जिन शब्दों से न तो पुरुष और न ही स्त्री जाति का ज्ञान होता है उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं, जैसे फूल, पुस्तक, छाता, पत्ता। जो शब्द न तो स्त्री का बोध करा रहे हैं और न ही पुरुष का उन्हें हम कहते हैं नपुंसक लिंग। आगे आता है वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में भी वचन 3 प्रकार के होते हैं और हिंदी में भी 2 प्रकार के। जो शब्द किसी वस्तु या प्राणी की संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग की भांति वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जिन शब्दों से किसी वस्तु या प्राणी की एक संख्या का पता चलता है उन्हें एकवचन कहते हैं, जैसे एक हाथी, एक बालक, एक किताब या एक कौवा। उसी प्रकार द्विवचन। जिन शब्दों से किसी वस्तु या प्राणी का 2 संख्या का पता चलता है उन्हें द्विवचन कहते हैं, जैसे 2 हाथी, 2 बालक, 2 कौवे और 2 पुस्तक। इसी प्रकार बहुवचन यानी बहुत सारे। जिन शब्दों से किसी वस्तु या प्राणी की 3 या उससे अधिक संख्या का पता लगता है उन्हें हम बहुवचन कहते हैं, जैसे 4 हाथी या बहुत सारे हाथी, बहुत सारे बालक, बहुत सारे पक्षी। ये क्या कहलाता है? बहुवचन। अब आते हैं अकारण पुल्लिंग शब्द। अकारण पुल्लिंग शब्द क्या होता है? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं तथा उस शब्द के अंत में अ जुड़ा होता है उसे अकारांत कहते हैं। कैसे? जैसे कोई भी पुरुष जाति का बोध करा रहा है उस शब्द के पीछे अ जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा? अकारांत। जैसे मृग अ, मृग ह, तो अ साइलेंट आ रहा है, छुपा हुआ शब्द है। अ नर, बालक, छात्र, अ इत्यादि, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? अकारांत पुल्लिंग।